रीवा नगर निगम के कर्मचारियों की अब एक पहचान होगी। अधिकारी हो या ऑफिस बॉय, सभी को एक परिधान में रहना होगा जिससे आसानी से उनकी पहचान की जा सके। यह व्यवस्था पहले से ही है लेकिन आज तक लागू नहीं हो सका था, लेकिन अब निगम आयुक्त ने सभी को ड्रेस कोड में आने के निर्देश दिए हैं और स्वयं वो भी तय ड्रेस कोड में कार्यरत कार्यालय पहुँच रहे हैं। दरअसल निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवणे ने नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यालय में ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अब निर्धारित ड्रेस कोड में ही कार्यालय आना होगा। निगम आयुक्त डॉक्टर सोनवणे द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हल्के नीले रंग का शर्ट एवं गहरे नीले रंग का पैंट निर्धारित किया गया है। इसी तरह महिलाओं के लिए गहरे नीले रंग का सलवार एवं हल्के नीले रंग का कुर्ता निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार में ही तत्कालीन नगरीय निकाय मंत्री बाबूलाल गौर द्वारा पहली बार नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद सभी ड्रेस कोड की अनिवार्यता को भूल गए। अब निगम आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर सभी के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया है। सफाई कर्मचारियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड पहनकर ही ड्यूटी करना अनिवार्य कर दिया गया है। ड्रेस कोड पूर्व से ही निगमों में था लेकिन उसका पालन हो नहीं रहा था, तो अभी जो निर्देश दिए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कमिश्नर, सभी लोग एक ड्रेस कोड में रहेंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन, एक टीम भावना, ये सभी चीज़ों में उसका रिजल्ट दिखने को मिले। ड्रेस कोड जो हमारा है उसमें सभी ये जो लाइट ब्लू कलर का शर्ट और ब्लू कलर की पैंट जो है वो सभी अधिकारी कर्मचारी जो रहेंगे उनके लिए होगा। सफाई कर्मचारियों के लिए हमारा ऑलरेडी जो ड्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्लू और वाइट कलर के टी शर्ट दोनों हैं, वो सफाई कर्मचारी भी हमारे यूनिफॉर्म में ही रहे।